अतीव नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम अरुण आनंद है और मैं आज आपसे बात करूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने 26 अप्रैल की शाम को एक ऑनलाइन अपना बौद्धिक दिया और उसमें उन्होंने जो मुख्य बातें कही, उन मुख्य बातों का सार क्या है, 5 या 6 मुख्य बातें उन्होंने कही, वो मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगा। से पहली बात उन्होंने ये कही कि भारत की 130 करोड़ की जनता को हमें अपना एक एक समाज की तरह जो है वो देखना है और हमें ये इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि कोई भी कोरोना वायरस की इस समय में किसी भी प्रकार के रिलीफ वर्क से जो है जिसे भी ज़रूरत है उसे मिले। और पूरे 130 करोड़ समाज को एक इकाई के रूप में जो है इस बीमारी का मुकाबला करना है और पूरे समाज को हमें एक मानकर चलना है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर कोई एक गलती करता है तो उस पूरे समूह से हमें दूरी नहीं बना लेनी चाहिए। तो इसलिए किसी भी समुदाय में अगर कुछ लोग गलती कर रहे हैं तो उस पूरे समुदाय से दूरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही समुदायों के जो नेता हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके समुदायों के लोगों की वजह से किसी भी प्रकार कोरोना वायरस जो है वो देश में ना फैले या इससे निपटने के सरकार और समाज के प्रयासों में कोई दिक्कत ना हो। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि स्वदेशी मॉडल हमें अपनाना होगा, विदेशों पर हमें अपनी निर्भरता कम करनी होगी और लेकिन स्वदेशी मॉडल अपनाते हुए उसके साथ ही हमें गुणवत्ता का ध्यान भी रखना होगा। चौथी बात उन्होंने कही कि आने वाले समय में हमें आवश्यकता त्याग और समझदारी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि नागरिक अनुशासन हमें ज़रूर चाहिए। नागरिक अनुशासन इस देश के अंदर हमें जो है वो लाना होगा, नागरिकों को अनुशासित होना होगा, तभी हम कोरोना वायरस के कारण जो चुनौतियां उपजी हैं और आने वाले समय में भी जो चुनौतियां आएंगी उसका सामना कर पाएंगे। इसलिए नागरिकों पर एक महती जिम्मेदारी है कि वे अनुशासन का पालन करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके जो बौद्धिक था उसके अंत में उन्होंने एक बात कही कि हमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है समाजोन्मुख शासन, देशहित मूलक राजनीति, संस्कारोन्मुख शिक्षा, यानी कि एक ऐसा शासन जो समाज के बारे में सबसे पहले सोचे, एक ऐसी राजनीति जो कि देश हित के बारे में सबसे पहले सोचे, एक ऐसी जो है शिक्षा जो है जो कि मुख्यतः संस्कारों को जो है कल्टीवेट करने पर ध्यान दे और हम सबका एक श्रेष्ठ आचरण यानी हम सबका एक अच्छा आचरण जो है, अच्छा बिहेवियर जो है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो अगर ऐसा हम लोग कर पाते हैं तो हम ये संकट के अवसर को चुनौती में, इस संकट के अवसर को हम इस संकट को हम अवसर में बदल सकते हैं। वी कैन टर्न दिस एडवर्सिटी इंटू अपॉर्चुनिटी, संकट को अवसर में बदलने के लिए और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के हम एक ऐसे अगले चरण में जा सकते हैं जहां भारत पूरे विश्व को जो है रास्ता दिखाएगा। और इस उद्बोधन को आप RSS ORG के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।